PR 208 कन्वर्टिंग ऑपरेशंस एंड पैकेजिंग की इस कक्षा में सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। PR 208 का अध्याय संख्या 7 पैकेजिंग एंड डिस्पैच नाम से प्रदर्शित है। पैकेजिंग का मतलब बांध करके किसी वस्तु का विक्रय या परिवहन करना, डिस्पैच माने उसको ट्रांसपोर्ट करना, भेजना, प्रेषित करना, दूसरे तक पहुंचाना, यानी बांधना और प्रेषण करना, ये दोनों ही पैकेजिंग एंड डिस्पैच का भाग है। आम जनजीवन में इसे पैकिंग या ढक्कन या बंधी हुई वस्तु या पॉलीथीन में ढकी हुई वस्तु कुछ भी कह देते हैं, लेकिन पैकेजिंग या पैकिंग या ढकी हुई वस्तु का एक सुरक्षित आवरण में आम जनता के बीच में पहुँचना, विक्रय में काम में आना, ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा देना और उस पर लिखी हुई सामग्री द्वारा ग्राहक को परिचय मिलना, उसके मूल्य के बारे में जानकारी मिलना, उसकी मात्रा के बारे में मिलना, उसकी निर्माण तिथि और उसके समापन तिथि के बारे में जानकारी मिलना, ये सब हमारे पैकेजिंग एंड डिस्पैच का भाग है। पैकेजिंग एंड डिस्पैच के अध्ययन के अंतर्गत हम सब इसकी महत्ता के बारे में जानना चाहेंगे कि यदि कोई ये कहे कि पैकेजिंग न होती तो कुछ भी नहीं होता तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में छोटी गोली, कैप्सूल, मेडिकल का कोई कोई उत्पाद है उसकी पैकेजिंग से लेकर के बड़े बड़े जैसे पंखे की पैकेजिंग है या और बहुत सारे उत्पाद या मशीनों की पैकेजिंग है, वो सब कहीं ना कहीं एक सुरक्षित आवरण में ढक करके मार्केट में उतारी जाती है। यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी कला या विधि जिसके द्वारा किसी निर्मित उत्पाद को इस सुरक्षित आवरण में ढक करके मार्केट के अंतर्गत, ट्रांसपोर्ट के दौरान, ग्राहक को परिचय के दौरान एक सुरक्षित आवरण में उसके हाथों तक पहुँचाया जाता है, वो हमारे पैकेजिंग कही जाती है। टूथपेस्ट ले लीजिए, दूध ले लीजिए, कोई कपड़े का उत्पाद ले लीजिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के छोटे छोटे पुर्जे ले लीजिए, बीड़ी सिगरेट के उत्पाद ले लीजिए, वाइन प्रोडक्ट ले लीजिए और फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट ले लीजिए, समस्त प्रकार के उत्पाद कहीं ना कहीं किसी प्रकार के पैकेज्ड कपड़े ढके हुए सुरक्षित आवरण में आम व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं। तो इसमें पैकेजिंग डिस्पैच टॉपिक का नाम है, इसका मतलब यही है कि पहले ढका हुआ हो, ढक करके सुरक्षित हो, फिर उसका परिवहन हो, परिवहन के बाद मार्केटिंग हो, मार्केटिंग के बाद आम व्यक्ति तक पहुँचे और उसकी उपयोग प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जान ले कि इस वस्तु का नाम क्या है, इसका काम क्या है, कब बनी है, कब खत्म होगी, कितने पैसे की है, क्या गुणवत्ता है, कैसे और विश्वसनीयता की वजह से वो देख ले भाई मुझे इसका उपयोग करना है या नहीं करना है। तो पैकेजिंग एंड डिस्पैच के इस अध्याय में एक सेलिंग एंड एस्पेक्ट और एडवांटेजेस है, यानी कि इसके विक्रय बिंदु क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। कहने को तो महत्व, उद्देश्य, कार्य के बिंदु भी इसमें माने जा सकते हैं कि सभी आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी पैकेजिंग का या उसके लेबल का चयन करेगा, उसकी विषय वस्तु का चयन करेगा, उस पर क्या मुद्रित करना है, किस भाषा में करना है, ये सब जो उत्पादन करता है, मैन्युफैक्चरर है, वो अपने प्रोडक्ट के लिए बेहतर पैकेजिंग का सिलेक्शन तभी करेगा जब वो ये देख लेगा कि मेरे आर्थिक लक्ष्य क्या हैं और मैं कितनी मात्रा में विक्रय करके लाभ कमाना चाहता हूँ। तो पैकेजिंग का संबंध उसके विक्रय पहलू सेलिंग एस्पेक्ट्स और उसके लाभ एडवांटेजेस से है। सेलिंग एस्पेक्ट में ये कह सकते हैं वो कौन से देश में बेची जानी है या उसका कौन से देश में विक्रय होना है, किस भाषा के लोगों का विक्रय होना है, किस शिक्षा स्तर के लोगों के साथ वो पहुंचेगा और जिस देश या जिस क्षेत्र में जिस भाषाभाषी या शिक्षा स्तर के लोगों के मध्य वस्तु बेची जानी है वहाँ के लोगों का जो वस्तु खरीदने का या पूर्व में समान प्रकार के उत्पाद के संबंध में क्या रुचि वगैरह है, ये सब देख करके एक पैकेजिंग या पैकिंग का लेबल तैयार करके मार्केट में उतारने का एक निर्णय लिया जाता है। तो सेलिंग एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि हमें किसी वस्तु के या किसी उत्पाद को या निर्मित वस्तु को दुनिया के किस क्षेत्र में, किस भाषा क्षेत्र में, किस शिक्षा स्तर के उपभोक्ताओं या किस लक्षित समूह तक पहुंचाना है, ये हमें देखा जाता है। फिर उस लक्षित समूह तक पहुंचने के लिए हमारी
पैकेजिंग की जो विधि है उसके द्वारा मार्केट में उत्पाद को उतारा जाता है, वो वहाँ किस तरह से किस माध्यम से जाएगी, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या रेल के माध्यम से या और सी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ये सब भी हमारे कुछ ना कुछ डायरेक्ट इंडायरेक्ट पैकेजिंग से जुड़े भाग हैं। एडवांटेज में ये देखा जाता है कि इससे हमें लाभ क्या होगा, पूर्व में समान प्रकार के उत्पादों की प्रतियोगिता के संबंध में हमारी पैकेजिंग कितनी उपयोगी होगी, हम कितना मार्केट में टिक पाएंगे, कितना लाभ ले पाएंगे, हमारा उत्पाद पहले प्रचलित उत्पादों के सापेक्ष कितना पब्लिक को पसंद आएगा, इस तरह कई बातें इसमें देखी जाती हैं। तो पैकेजिंग के संबंध में अध्ययन योग्य प्रमुख बातें हैं। लाभ की दृष्टि से आपको ये देखना है किस इतनी लागत हो उस पैकेजिंग की कि उसको जोड़ते हुए मुद्रित लेबल को जोड़ते हुए उत्पाद की कुल कीमत इतनी ज़्यादा ना हो कि वो इतना कीमती हो जाए कि पब्लिक उसे ख़रीदने में सक्षम ना हो, यानी कि पैकिंग लेबल को मिला करके वस्तु का मूल्य कम से कम हो ताकि पब्लिक की परचेजिंग पावर में हो, ये बिंदु जरूर देखा जाना चाहिए। दूसरा, वो उस भाषा में हो जिस भाषा में कि वहाँ के लोग उसके लेबल को या पैकेजिंग को समझ सकें, और वो लेबल या पैकेजिंग उसकी उत्पाद की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने में काफ़ी उपयोगी हो, काफ़ी उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सके, ये भी देखा जाना चाहिए। और उसका ऊपर का कवर है वो जल्दी ख़राब ना हो, किसी वस्तु के ड्यूरेबिलिटी उसके लंबे जीवन काल तक वो ऊपर सुरक्षित तरीके से उस वस्तु को ढके रहे, यानी पैकिंग की ड्यूरेबिलिटी इतनी हो जब तक कि उसके उत्पाद का पूरा उपयोग ना हो जाए, वो ख़राब नहीं हो, इस तरह ये एस्पेक्ट देखे जाते हैं। और इस एस्पेक्ट के तहत उत्पाद की सुरक्षा के संबंध में ग्राहक की आवश्यकता, यानी एडवांटेज फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड एडवांटेज फ्रॉम प्रोडक्शन ओनर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी उत्पाद या निर्माता यानी फैक्ट्री मालिक या उत्पाद के मालिक की खुद की आवश्यकता और ग्राहक की आवश्यकता दोनों को देख करके ही पैकेजिंग को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। मात्र लेबल चढ़ाने से काम नहीं चलता है, उसके वस्तु के बिकने बिकने से लाभ होने, लाभ से ये वित्तीय व्यवस्था सुधरने और अपनी इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ने का काम इससे होना चाहिए, तभी हमारी पैकेजिंग सक्सेसफुल हो सकती है। इस तरह से हम पैकेजिंग के बारे में निर्णय लेके विक्रय पक्ष सेलिंग एस्पेक्ट और लाभ एडवांटेजेस पर विचार करके पैकेजिंग लेवल, पैकेजिंग लैंग्वेज, पैकेजिंग के अंतर्गत जो भी कानूनी आवश्यकताओं की सामग्री या विषय वस्तु है उसको मुद्रित करने और पैकिंग का जो सामग्री है जिससे कि वो मजबूती से बनी रहे, चाहे कागज़ की है या प्लास्टिक पैकेजिंग की है या मान लो मेटल वेस्ट है या मेटल या प्लास्टिक मिक्सर का है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मेटल पे प्लास्टिक बेस की कोई लेयर है या प्लास्टिक बेस पे मेटल की लेयर है, तो जैसे जैसे उत्पाद है उस तरह के सुरक्षित पैकिंग लेबल या पैकिंग मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और पैकेजिंग का चयन करते समय बहुत सारे बिंदुओं को सोचा जाता है, इसमें एक सेलिंग एस्पेक्ट और एडवांटेजेस भी है। संक्षेप में कह सकते हैं, पैकेजिंग किसी उत्पाद को सुरक्षित आवरण में ढकने की कला है। सुरक्षित आवरण में ढकने की कला यह बताती है कि इस उत्पाद को कब तक सुरक्षित रखा जाए और उत्पाद के ऊपर लगा हुआ मुद्रित लेबल ग्राहक को उस वस्तु को खरीदने, प्रतियोगिता में एक चयनात्मक लाभ लेने, दूसरे उत्पाद से तुलना करने, उसकी गुणवत्ता जानने आदि के बारे में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त पैकेजिंग विज्ञापन का माध्यम भी है, ग्राहक को लुभाता है, ग्राहक को आकर्षित करता है, उसकी बिक्री को बढ़ाता है और कंपनी की आय में वृद्धि होती है। इस तरह इसमें कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है कि क्या पैकेजिंग विज्ञापन का माध्यम है? पहला ए आएगा हाँ, बी आएगा ना, सी आएगा ए बी गलत, डी आएगा ए बी सही। तो इसमें ए विकल्प सही है कि ये विज्ञापन का माध्यम है, तो आप कह सकते हैं पैकेजिंग एक विज्ञापन का माध्यम है। इसमें दूसरा सवाल बना सकते हैं, छोटा सवाल, पैकेजिंग का ग्राहक की दृष्टि से क्या लाभ है? तो आप इसके डिस्क्रिप्टिव सवाल को कह सकते हैं, पैकेजिंग किसी उत्पाद को सुरक्षित आवरण में और एक परिचयात्मक लेबल के साथ मार्केट में उतारने की कला है। ये परिवहन में सुविधा देती है, बिना टूट फूट के वस्तु मार्केट में जाती है, मार्केट से ग्राहक तक पहुंचती है, ग्राहक उस वस्तु के लेबल को पढ़ करके उसकी उपयोग विधि, उसकी मात्रा, उसकी गुणवत्ता, उसकी समापन तिथि, उसकी निर्माण तिथि और उसकी उपयोग विधि को जान करके उसका अच्छी तरह से बेहतर तरीके से बिना किसी बाधा के, बिना किसी
परेशानी के उपयोग कर सकता है और कंपनी की ब्रांड लेवल की विश्वसनीयता के साथ उसका उपयोग कर लाभान्वित हो सकता है। इस तरह से ग्राहक की दृष्टि से कम तीन चीज़ें हैं। इसका लेबल ग्राहक को उस वस्तु के उत्पाद को चयनित करने, खरीदने का निर्णय देने में सहायता करता है। उस वस्तु के लेबल द्वारा उस वस्तु के उपयोग की जानकारी मिलती है। तीसरा, उस वस्तु के उपयोग के बाद होने वाले घाटे से उस वस्तु के लेबल को देखकर कंपनी पर कोई मुकदमा किया जा सकता है। इसमें तीसरा सवाल बनाया जा सकता है कि पैकेजिंग के लेबल में भाषा की क्या उपयोगिता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैंग्वेज फॉर पैकेजिंग लेबल। तो आप कह सकते हैं भाषा की दृष्टि से ये कह सकते हैं, यदि पैकेजिंग की भाषा बदल दी जाए तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उस भाषा को नहीं समझ सकते हैं लोग, तो वो उत्पाद उस भाषाहीन क्षेत्रों में बेचा नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के लोग समझेंगे नहीं। और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि उस लेबल की भाषा को समझ सकते हैं वहाँ उतारा जाएगा तो वो आसानी से बिक जाएगा। यानी उस लेबल की भाषा वो हो जो कि उत्पाद को समझने वाले, देखने वाले, ख़रीदने वाले लोग उस लेबल को देख करके समझ सके इसमें क्या भरा हुआ है, किसके लिए वस्तु है, क्या है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में किसी दूध उत्पाद को बेचना है तो भारत के किसी दूध निर्माता कंपनी को श्रीलंका की सिंगली भाषा में उस लेबल को मुद्रित करना पड़ेगा, तब जाकर के वो उत्पाद श्रीलंका के मार्केट में उतरेगा और श्रीलंका के मार्केट में अन्य दूध उत्पाद जो लोकल दूध उत्पाद हैं उनके सापेक्ष प्रतियोगिता में ठहर करके वो मार्केट को कुछ मजबूती दे सकता है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं भाषा के द्वारा किसी उत्पाद को वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर और लोकल स्तर पर प्रभावी बना सकते हैं। हमें देखना ये होगा कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा है, तो उस भाषा में लेबल को छाप करके उस उत्पाद को लोकप्रिय, जनप्रिय बनाया जा सकता है और जनता में पहल बनाई जा सकती है। उस भाषा को समझने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस उत्पाद को खरीद के आपके उत्पाद की बिक्री बढ़ा सकते हैं, आपके ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं भाषा किसी पैकेजिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पैकेजिंग का लेवल वही हो जो कि ग्राहकों की भाषा है, और बिना ग्राहकों की भाषा वाला लेवल में मुद्रित होने पर उत्पाद की मेहनत बेकार जाएगी और वो उस क्षेत्र में बिक नहीं पाएगा। तो हमारी ज़रूरत है कि उस क्षेत्र के भाषा वाले ग्राहकों की भाषा में ही उस लेबल या पैकेजिंग को तैयार किया जाना चाहिए ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सके। इस ऑनलाइन कक्षाएं आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।